कि जो हम सभी के एजेंडे पर काम करते हैं, मानते हैं और जो सबका न्याय देने के भरोसा बनाते हैं, हम उनके साथ सहयोग करके हम सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता की पार्टी के लिए, प्राथमिकता अपनी पार्टी को है कि हम लोग अब मिल करके अपनी सरकार बनाएंगे। आज कुल मिला के कितने दल और साथ में आए हैं चंद्रशेखर आजाद? ये नहीं, ये तो दलों का एक समूह है ना, बहुत सारे दलों के एक नेता है, सभी ने मिल करके, दल भी और उसके पहले भी बहुत सारे दलों ने, अनगिनत दलों ने इनको अपना नेता माना है। पिछड़े समाज के और दलित समाज की बहुत सारी सियासी पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने इन्हें अपना नेता माना है, सर्वसम्मत से अपना नेता माना है। तो उनके हितों का रक्षा करना, उन्हें बराबर सम्मान देना, वो आपका दायित्व है और हम सभी के साथ है। तो हम सब लोग मिल करके जितने भी दल हैं, हम सभी के साथ में हम सबका सम्मान करते हैं और सबके भागीदारी के साथ हम सबको अवसर देने। जब आपने ये अलायंस बनाया था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त आमिर कंसारी साथ थे, आज वो चेहरा नहीं दिख रहा है ना। फिर वही हमने, आप बताया ना, आमिर रशादी साहब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वेनर हैं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का मैं प्रतिनिधि हूँ। ये तय किया गया है कि सभी दल के बजाय मैं एक प्रतिनिधि रहूं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का, और जितने छोटी पार्टियां हैं पिछड़े और दलितों को, जिन्होंने चंद्रशेखर जी को अपना नेता माना है, वो हम दो ही लोग बैठेंगे प्रेस में, ताकि किसी तरह का प्रेस में किसी तरह का दिक्कत ना हो। साथ है सभी, साथ है सभी, साथ है सब लोग। मैं ऑलरेडी चुनाव मैदान में हूँ, संत कबीर नगर के फैलाबाद से मैं पहले भी विधायक 2012 से 17 तक रह चुका हूँ और फिर उसी विधानसभा से मैं प्रयास करता हूँ।